टोकरी में क्या है, फुलवारी हिंदी की पुस्तक का नाट्य रूपांतरण, आइए बच्चों के द्वारा प्रस्तुति देखते हैं। गर्मी की छुट्टियों का अंतिम दिन है। आदित्य नानी के पास से अपने गांव लौट रही है। उसके पिताजी लेने आए हैं, वह अपने घर जाने के लिए तैयार हो रही है। अंतिम है, इस टोकरी में कुछ बांध कर रखा है, इसलिए अपने साथ ले जाना। अरे वाह, टोकरी में क्या है नानी जी? तुम स्वभाव अनुसार लगाओ, बताओ कि इसमें क्या हो सकता है। अच्छा तो मुझे सोचने दो नानी जी, या तो इसमें मिठाई है या फल। फल? आह, तब तो इसमें आवश्यक ही सेब होंगे नानी जी। नहीं, सेब भी नहीं है। फिर सोचो। ठीक है नानी, सोचती हूँ। अच्छा या तो बताओ कि यह फल छोटे पौधे पर लगते हैं या पेड़ पर? पेड़ पर। तब तो यह नारंगी है। नहीं बिटिया, नारंगी भी नहीं है। अच्छा यह पीला है या लाल? पीला है। तब यह आम होगा? ना ना, आम भी नहीं है। अच्छा मुझे फिर से सोचने दो, इसकी आकृति कैसे है? गोल है। तब अमरूद होगा? नहीं, अमरूद नहीं है। अच्छा यह स्वाद में कैसा है? मीठा खट्टा? खट्टा है। इसका स्वाद खट्टा। तब तो यह जरूर माल्टा होगा। गरीब 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 तो पहुंच गई हो, भी थोड़ा प्यास है। ठीक है नानी, अच्छा बताओ यह फल किस काम आता है? यह अचार और शरबत बनाने के काम में आता है। नानी अब मैं जान गई कि यह नींबू है। हाँ बिटिया, ठीक बताया। शाबाश, बहुत अच्छा, ताली बजाओ।